माँ शक्ति हैं, माँ भक्ति हैं, माँ ममता मई हैं, माँ करुणा मई हैं, जन जन का कल्याण करने वाली माँ संकट हरनी हैं। तभी तो संकट में पड़े भक्त जब भी माँ को आवाज लगाते हैं, माँ दौड़ी चली आती हैं। उनके चमत्कार के आगे सभी भक्त नतमस्तक हैं। गोपालगंज जिले के थावे में स्थित माता ने कुछ ऐसा ही चमत्कार दिखाया है कि माता की कृपा पाने के लिए सालों भर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। माता दुर्गा का ये मंदिर कभी हथुआ राज परिवार का मंदिर था और इसके चारों तरफ जंगल था। इसी जंगल के बीच एक किसान रहता था जिसका नाम रहसु था। वो माता का परम भक्त था। कहते हैं कि उसने 7 शेर रखे थे जिनके गले में सांप बंधा था। ये शेर ही उसके फसल को दाबने का काम करते थे। संत रहसु की इस सिद्धि और शक्ति से राज पुरोहित को ईर्ष्या हो गई और उसने राजा से उनकी झूठी शिकायत करनी शुरू कर दी। आखिरकार राजा भड़क गया और रहसु को अपने दरबार बुलाकर खूब सताया और बार बार यही कहा कि तुम्हें बचाने माँ दुर्गा आएंगी, तुम उन्हें बुलाओ। रहसु ने राजा से कहा कि आप उन्हें नहीं देख पाएंगे और ना उनका तेज बर्दाश्त कर पाएंगे। राजा फिर भी नहीं माना। अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर माता का दिल पसीज गया और कामाख्या से चलकर पटन देवी तक पहुंची। रहसुदास ने राजा को चेतावनी दी और कहा कि अगर देवी यहां आ जाएंगी तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन राजा जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार माँ दुर्गा अंबिका स्थान होते हुए राजा के यहाँ आई। उस अद्भुत चकाचौंध में किसी को कुछ नहीं दिखा। अचानक रहसुदास का सर फटा और उसमें से देवी दुर्गा का हाथ बाहर आया। रहसुदास पत्थर के हो गए और माँ दुर्गा ने उनका उद्धार किया, लेकिन उस राजा का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके टूटे किले का खंडर आज भी यहाँ मौजूद है। माँ दुर्गा के इस चमत्कार के बाद से भक्तों ने इस मंदिर को माता की शक्ति का प्रमुख केंद्र मान लिया। भक्त मानते हैं कि इस स्थान में माँ दुर्गा प्राण प्रतिष्ठित हैं, तभी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोग अब इसे मनोकामना पीठ समझते हैं। मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के सामने ही माँ दुर्गा का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में स्त्री और पुरुष श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए अलग अलग पंक्ति लगाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश द्वार पूरब की तरफ है और निकास द्वार दक्षिण की ओर है। गर्भगृह में माता दुर्गा के काले पत्थर की बनी प्रतिमा विद्यमान है। माता का स्वरूप यहाँ अर्ध दर्शन का है, क्योंकि यहाँ माता के सिर से कमर तक की प्रतिमा है। माता की इस मूर्ति की आँख सोने की है। माँ दुर्गा के इस निवास स्थान के उत्तर दिशा में बुरी शक्तियों का नाश करने और वातावरण को स्वच्छ करने वाला घंटा है। भगवान शिव और अन्नपूर्णा माता पार्वती को यहाँ जगत भवानी के नाम से जाना जाता है। भक्त मानते हैं कि उनकी स्तुति से मन को शांति मिलती है। थावे माता के मंदिर के परिसर में भगवान अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजमान हैं। थावे माता के मंदिर के बाई ओर सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा हैं और उनके साथ मंगल मूर्ति अष्ट विनायक गणपति भगवान गणेश विराजमान हैं। आदि शक्ति माता के दर्शन के बाद भैरव का दर्शन करना कल्याणकारी होता है। माँ दुर्गा के थावे मंदिर में बाबा भैरव अपने काल भैरव और बटुक भैरव के रूप में स्थापित हैं। थावे स्थान में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा का मुकुट चांदी का बना हुआ है, उसके ऊपर चांदी का छत्र है। माता के इस मंदिर के ऊपर पीतल का सुराहीनुमा गुम्बज है।
इस मंदिर परिसर में बहुत से सिद्ध संतों और महात्माओं ने माता की शक्तियों और चमत्कारों से अभिभूत होकर माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे अनेक विख्यात संतों की समाधि माता के मंदिर परिसर के बाहर मौजूद है। इसमें सबसे प्रमुख है बाबा रहसुदास की समाधि। वैसे तो माँ के दरबार में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सोमवार और शुक्रवार को यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है। चैत और अश्विन माह में होने वाले नवरात्रों में माँ का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ भक्तों की अपार भीड़ जुटी रहती है। माता दुर्गा के इस पवित्र मंदिर का कपाट सुबह 4 बजे खुलता है। इसके बाद मंदिर के प्रधान पुरोहित मंदिर के गर्भगृह में विधान पूर्वक माता की भव्य आरती की तैयारी करते हैं। माता दुर्गा के धावे मंदिर में पहली आरती सुबह 5 बजे संपन्न होती है। इसके बाद भक्त मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। दिन में भक्तों के सारे धार्मिक क्रियाकलापों और अनुष्ठानों को संपन्न कराने के बाद मंदिर के मुख्य पुरोहित माँ भवानी की विधान पूर्वक पूजा अर्चना कराते हैं। माता के इस दरबार में शाम 8 बजे मंदिर में आरती, मंगल स्तुति और धूप के साथ की जाती है। माता को भोग लगाकर मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है।